सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं ड्यूक 250 का जो नया मॉडल है इसके डिजिटल मीटर की पूरी जांच पड़ताल। तो आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे फ़ोन को कनेक्ट करना है, क्या क्या आप इसके साथ कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो ऐसी कुछ डिस्प्ले आपको सामने देखने को मिलती है आपके स्टार्टिंग फेस में। तो भाई काकू बताइए क्या क्या है इस पे। आप जैसे इसका ये बटन है यहाँ पर ये वाला बटन है, आप इसको ओके करोगे, क्लिक करोगे तो यहाँ ABS मोड आ जाता है। अच्छा, ABS में आपका भी रोड मोड पे। अच्छा ठीक है, अब आप अगर इसे सुपर मोटो मोड पे डालोगे तो इसका पीछे वाला रियर वाला ABS ऑफ हो जाएगा, जिसे आप विली मारने से जो करना चाहे कर सकते हो। करंटली अभी रोड मोड पे ही रहती है बाय डिफॉल्ट। अच्छा, फिर ये है बाइक इन्फो, जिसमें आपका इंजन टेम्परेचर 72 सेल्सियस दिखा रहा है, रेंज है 100 किलोमीटर और बैटरी है अभी 12.9 वोल्ट की है और ODO है 382 किलोमीटर। और ये आपका सर्विस रिमाइंडर दिखा देती है कि नेक्स्ट सर्विस कितने किलोमीटर, डिस्टेंस 620 और डेट है 1 जनवरी 2024, क्योंकि अभी चल रहा है नवंबर तो ये जनवरी में होगा। और ये सॉफ्टवेयर वर्जन है 0.52। जैसे आप इसमें इंजन टेम्परेचर देख रहे हो, सुबह जब स्टार्ट करोगे ना तो यहाँ लो लिखा आता है। अच्छा, जैसे ये 70 या 65 के ऊपर जाती है तो यहाँ ओके लिखा आता है, इंजन टेम्परेचर सही है। अच्छा, अगर ये हाई होगा तो यहाँ पे हाई लिखा आ जाता है। अच्छा, ठीक है, ये रियर ABS ऑन ऑफ का वो आ गया। फिर अगर आप इसमें लाओगे तो यहाँ वार्निंग्स आ जाती है, जैसे अभी साइड स्टैंड पे है तो साइड स्टैंड, ये अभी जैसे यहाँ पर साइड स्टैंड लगा हुआ है क्योंकि हम इस पर टिके हुए हैं, तो इसमें आ रहा है साइड स्टैंड फोल्डेड आउट, कंटिन्यू जर्नी नॉट पॉसिबल, मतलब बाइक ऑन नहीं होगी अभी। चलिए ठीक है, फिर यहाँ से बैक जाएंगे, फिर यहाँ पे ट्रिप इन फोर, ट्रिप वन, ट्रिप टू, ये तो बैक जाने के लिए यहाँ पर ये वाला बटन है, आपका बटन है बैक से और अप डाउन के लिए, अप डाउन के लिए वो ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली ट्रिप टू ट्रिप वन वाला है, ये नेविगेशन का है। अच्छा, आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, ऊपर नीचे के लिए, ये जो है ऊपर नीचे के लिए बटन है, ऊपर करोगे तो वॉल्यूम अप हो जाएगी, नीचे करोगे तो डाउन हो जाएगी, पीछे करोगे तो बैक हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ये स्टॉप का है, ठीक है, नेविगेशन स्टार्ट करनी है, स्टॉप करनी है, मतलब म्यूजिक भी है, कुछ भी है वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए। प्लेयर है, अब आपको बार बार अपने फोन से जेब में से फोन निकालने की जरूरत नहीं है कि आपको गाना चेंज करना है। तो अभी तो ये कनेक्ट नहीं है, तो मैं आपको एक बार कनेक्ट करके देखें, कनेक्ट करके दिखाएंगे मैं आपको बाद में, ठीक है कनेक्ट करके दिखाते हैं बाद में, अभी दिखा देंगे। फिर ये है लैप टाइमर की, कितने कितने सेकंड्स में आपकी बाइक कितनी पहुंची, यहाँ पे सारा रिकॉर्ड आ जाता है। और ये सेटिंग्स है, तो ये यहाँ पे फेवरेट्स है, जिसमें से आप चार चीज आपको जो डिस्प्ले पे चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते, मतलब चार चीज आप कोई भी जो डिस्प्ले में शो करे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। टाइप ट्रिप वन है, एवरेज स्पीड है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन है, टाइम वन, ट्रिप टू, एवरेज स्पीड टू, ये सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है जो आप चाहे आप डिस्प्ले में चार चीजें सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपको नॉर्मली होता रहता है, रेंज, इंजन टेम्परेचर, डेट है, ये सारी चीजें जो आपके डिस्प्ले में शो होगी, आपको अलग से सेटिंग में नहीं जाना पड़ेगा। ये क्विक सिलेक्टर है, इसका तो मुझे अभी थोड़ा, ये मे भी क्विक शिफ्टर का होगा, जैसे क्विक सिलेक्ट आपको अप डाउन करना है, क्विक सिलेक्टर अप करना है या डाउन में सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी ज्यादा चीजें ना इसके बारे में आई नहीं, यूट्यूब में भी नहीं है अभी तो ज्यादा चीजें, हमने बहुत सर्च किया था। जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप कर सकते हो अपना, जैसे फोन पेयर का है, हेडसेट पेयर का है, हेडसेट टाइप का है, तो ये मैं आपको एक बार कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ कनेक्ट करके, ठीक है। तो ब्लूटूथ ऑन करना जरा, ब्लूटूथ ऑन है, ठीक है, इसका ऑन है, तो हमने अभी कनेक्ट किया था, तो मेरे फोन में, ये फोन पेयरिंग में जाके इसका मेरे फोन में अभी ये दिख जाएगा, न्यू पेयरिंग, एक सेकंड, ये मैंने अपना ब्लूटूथ ऑन कर दिया, तो अभी रियलमी नार्जो आ गया, वैसे ही आ जाएगा ऑप्शन, आप ऑन करोगे तो इसमें सारे ऑप्शन यहाँ डिस्प्ले में आ जाएंगे, फोन में आते हैं, तो मेरा अभी आ रहा है रियलमी नार्जो, कनेक्ट करते हैं, अब क्लिक करेंगे इसको तो एक पास की जनरेट हो जाती है, ठीक है, इससे मेरे में आ गया, पेयर के लिए आ गया, अभी एक और बार ऑथोरिटी मांगता है, ठीक है, मेरे यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए हो गया, ये ऑथराइज हो गया, तो यहाँ पर आपको शो करेगा ये देखिए फ़ोन का आ गया, बैटरी वैटरी सब आ गया। अब मैं आपको एक गाना चला के देखते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने गाना चला रखा है। अभी इसमें क्या है कि आपको ना अपना ब्लूटूथ जैसे इससे कनेक्ट है, आपको बाहर आवाज़ नहीं आएगी, ये अगर आपको अपने मतलब वायरलेस हेडसेट से या किसी से कनेक्ट करना पड़ेगा हेडफोन से, कि आप उसको मतलब करने के लिए आपने जेब में रखा है, तो आप गाना चेंज यहां से कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो, वॉल्यूम अप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको गाना चेंज करके दिखा देता हूं, अभी गाना चेंज होगा, देखिए अभी ये चल रहा है, ओवर तेरे अलावा चल रहा है, अभी देखिए यहां पर ये क्लिक करेगा यहाँ से, तो ये देखिए गाना चेंज हो गया, चेंज हो गया, और वॉल्यूम अप डाउन भी हो सकती है, जरा वॉल्यूम अप कर क्लिक करके प्रेस करके रखेंगे तो वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम इससे होगी, इसमें दिखाएगा नहीं, वो इंटरनली होगा सब कुछ। तो ऐसी इसकी कनेक्टिविटी का है। एक बार मैं मैप का भी दिखा देता हूँ आपको,
मैप नेविगेशन कर रहे हैं। नेविगेशन देखिए, आपको नेविगेशन में जाना जाके करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नेविगेशन है अब कहीं किसी की लोकेशन है तो जैसे अभी हम डाल देते हैं काठमांडू नेपाल जाते हैं सीधा। तो ये है, ये स्टार्ट और स्टॉप नाउ का आ गया। तो यहाँ से मयूर फेस 3 से जहाँ पर अभी है वहाँ से ले लेते हैं। तो स्टार्ट कर दो, स्टार्ट और स्टॉप हो रहा है। इसमें अभी है कि नेविगेशन आप इसमें यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो चल अब जरा दिखा जरा मुझे नेविगेशन, जैसे ऑन है नेविगेशन। हाँ, अब जब तक रनिंग नहीं होगी तो उसमें शो नहीं करेगा ना। तो मतलब आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से एक बार रनिंग टर्न बाय टर्न टर्न बाय टर्न। यहाँ पर मतलब आपको लेफ्ट राइट दिखा देगा ज्यादातर जो आता है, और इसमें वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकता हूं इसकी क्या कहते हैं। सेम है जैसे वॉल्यूम अप डाउन से गाने के लिए था, वैसे सेम है यहाँ पर भी। और क्या क्या चीजें, और जैसे इसमें है ऑडियो प्लेयर है, लैप टाइमर है, सेटिंग्स में फेवरेट है, क्विक सिलेक्टर, कनेक्टिविटी हो गया, इको शिफ्टर है। जैसे क्विक शिफ्टर आपको ऑन करना है या ऑफ करना है वो आप मर्जी से कर सकते हो। जैसे क्विक शिफ्टर आपको ऑन नहीं करना, आपको नॉर्मली क्लच दबा के ही गियर डालना है, क्लच नहीं करना तो आप क्विक शिफ्टर ऑफ कर दो। जैसे आपको क्विक शिफ्टर ऑन करना है, बिना क्लच दबाए गियर डालना है, बिना क्लच जब तक गियर जब तक नहीं डलेगा जब तक 3000 RPM के ऊपर नहीं जाएगी। अगर इससे नीचे आप शिफ्ट करोगे तो इसमें मे बी क्लच का इशू आ सकता है। ये एक क्विक शिफ्टर सेलेक्ट होता सेट होता है ECU में कितने RPM के बाद ही ये आपको गियर शिफ्ट करके देगा। अच्छा, तो फिर आगे चलते हैं। अब इसके शिफ्ट लाइट अभी हम जब तक हमारी 1000 किलोमीटर नहीं होती हम छेड़ नहीं सकते, अभी अलाउड नहीं है, मतलब अभी परमिशन नहीं है हमारे पास। तो अभी और देखते हैं और सेटिंग और में क्या है, क्या है, क्लॉक एंड डेट है। अच्छा, डेट एंड टाइम से सेव कर सकते हो, यूनिट्स में जैसे डिस्टेंस टेम्परेचर कंजप्शन माइल्स में चाहिए, नहीं हम किलोमीटर वाले टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर सेल्सियस में फ़ारेनहाइट, हम सेल्सियस वाले कंजम्पशन आगे जैसे पर लीटर में 100 किलोमीटर में कितना लीटर पेट्रोल कंज्यूम कर रहा है, कितने किलोमीटर में हम किलोमीटर पर लीटर वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए किलोमीटर पर लीटर पे कर देते हैं, बाकी तो भाई इतना तो ये माइल्स पर लीटर है और वो अलग अलग है। तो हम इतना नहीं जान ये KG9 क्या है, ये हमें भी नहीं पता, 100 माइल में होगा कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब और क्या क्या है, तो ये एक RCM है, इसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप जरा गूगल पे जाके एक बार चेक कर लेना आप। RCM का RCM GST का भी आता है, बहुत चीजों का RCM होता है, तो अब इसका कौन सा RCM है वो नहीं पता, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं मतलब, और ये एक ये भी है, ये शायद कूलेंट का है, ये ऑयल प्रेशर का है, ऑयल प्रेशर का, ऑयल प्रेशर की वार्निंग आती है हट जाती है ये, अभी आप चलाओगे थोड़ा सा स्टार्ट करते हट जाएगी। हेलो,